तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है देखो वो मैं काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। देख लो अभी 7 बजने में जस्ट 15 मिनट रह रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 बजे तक के आसपास मैं स्कूल से आया, उसके बाद 2-2.5 घंटे मैंने अपने ब्लॉग एडिट करा जो मेरे को आज डालना था या आज कल में जो भी डालना था, एक आध दिन का मेरा गैप रहता तो समझ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा अपने स्कूल का मैंने काम किया जो स्कूल में याद करने का काम दिया था। तो अभी मेरे को भूख सी लग रही थी। वैसे हमारा प्लान था कि हम कल जो नहीं जा पाए थे पापा के बर्थडे पे कहीं बाहर खाना वाना खाने, तो हमारा प्लान था कि आज हम जाएंगे अच्छा सा मस्त पहाड़ के आएंगे माल, ठीक है, गेड़ी शेड़ी मार के आएंगे। लेकिन पापा ने आज वो प्लान कैंसिल कर दिया। अब वो क्यों करा भाई, इसका जवाब सिर्फ पापा ही दे सकते हैं जो कि इस वक्त घर में नहीं है, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ अपने दोस्तों के साथ होंगे। तो भैया मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने तो भैया अपना ये पिज्जा मंगा लिया जोमेटो से, ठीक है। कोई ऐसा डोमिनोज वोमिनोज तो वैसे यहाँ आता ही नहीं, उनकी डिलीवरी यहाँ पे होती नहीं। उनकी तो भाई ये पॉलिसी है कि भाई आधे घंटे ज्यादा लगे तो शायद वो फ्री में देना पड़ेगा। यहाँ तो उन्हें आधे का 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से मैं घूमने में, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं। तो हम तो अभी अपने जोमेटो से मंगाते हैं, अपना स्वाद भी ठीक ठाक होता है, प्राइस भी बढ़िया होते हैं, अपना बढ़िया चिल हो जाती है, मस्त खाते हैं भैया फटाफट से। मम्मी से भी मिलवाता हूँ, मम्मी कहाँ है, मम्मी हेलो क्या कर रही हो, दाल कौन सी, दाल हाँ एक पीस जो है टेस्ट कर लेना, अभी कौन सी दाल मंगी, मूंग की दाल ना, चावल बना दो यार, दो दिन से चावल नहीं बने, चावल ना आए यार मैं खा लेता, मैं तो बना दाल चावल लेके दूंगा। मम्मी देख रही कपिल शर्मा शो, मम्मी कपिल शर्मा शो कहने, वो नहीं देख रही बिल्ली का बच्चा कैसे होता है, क्यों मम्मी सुबह से देखी जा रही बिल्ली का बच्चा कैसे होता है और बिल्ली कैसे चाटती है अपने बच्चे को होता है जब पैदा हो, बिल्ली कैसी लगती है, बॉडी लगती क्यों सुंदर होती है बिल्ली की, वैसे घर में अच्छी नहीं रहती, अशुभ होती है। भैया देखो अशुभ हो चाहे कुछ हो, हर जीव को जीने का अधिकार है, तो वो जिए, पर हाँ पल ना सके ना सके वो बात अलग है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो भैया फटाफट को भूख लग रही है, अब मेरे को ज्यादा बात होनी थी, सब पहले हमने पिज्जा फिनिश करता हूँ। हाँ तो गाइस देखो, जैसे कि कल के व्लॉग में हमने जो पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसमें जो पापा के लिए देखो मैं एक ही लाया था अपना उनको पेन गिफ्ट करने का सिस्टम, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे ताश, ठीक है। तो वो रात को 12-1 बजे आए जब तक मैं सो गया था क्योंकि मेरा उसके जस्ट अगले दिन स्कूल था। और उसके बाद जब मैं दोपहर में आया तो वो सबसे पहले तो ऊपर काम देख रहे थे, फिर जो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले कमरे में जो है पेंट वेंट का काम हो रहा था, उसका सारा सामान जो बाहर निकला था वो सारा सामान उन्होंने अंदर रखवाया। फिर उसके बाद वो आगे थोड़ी देर 2-2.5 घंटे सो गए, तो अभी वहाँ थोड़े फ्री बैठे हैं तो उन्हें जाके ये पेन गिफ्ट करते हैं और रिएक्शन लेते हैं भाई वो कैसा रिएक्ट करते हैं। मैं इसको मुझे पता ज्यादा रिएक्ट वो करते हैं नहीं, ना एकदम दुखी हो जाते हैं ना एकदम खुश हो जाते हैं, तो चलते हैं फिर भी रिएक्शन तो ले ही लेते हैं पापा का। ये देखो पेन गिफ्ट करूंगा आपको, देखो जरा आगे क्यों लाया तो पागल, अरे गिफ्ट कर रहा हूँ पेन तो काम आ जाते हैं यार, कह रहे ये भी तो आसमान ये भी ऐसे ही लग रहा है, देखो चला के ऐसे चलाते हो, ये लिया है चला के देखो अच्छा चल रहा बढ़िया एकदम, इसमें आते हैं आज की कोशिश की गई है कैसा है बढ़िया है, ये कांच भी आ रहा है इसके साथ ही वाला ठीक है यूज कर लेना। हाँ तो गाइस एक देखो एक गड़बड़ और हो चुकी है,